नमस्कार, पुलका बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूं डॉक्टर वंदना। इस दुनिया में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हैं और उनसे संबंधित जिज्ञासाएं भी हैं, जिनके बारे में जानने के लिए वो डॉक्टर के पास बार बार नहीं जा सकते और कई बार तो डॉक्टर के पास भी इतना समय नहीं रहता है कि वो आपके हर बात को विस्तार से समझा सके। आपकी इन्हीं छोटी मोटी समस्याओं और उनके सवालों के जवाब देने के पर्पस से ही पुलका बाय द वुमेन फॉर द वुमेन समूह द्वारा यह मेडिकल सीरीज की शुरुआत की गई है। इस सीरीज में आज का टॉपिक है अंडाशय में बनने वाला सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट आजकल बहुत कॉमन है या टीनेजर गर्ल्स से लेकर 55 ईयर्स की लेडी में हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट समझने के पहले हम ओवरी के बारे में जान लें। महिला प्रजनन अंग में एक गर्भाशय होता है जहां गर्भस्थ शिशु की ग्रोथ होती है। गर्भाशय या यूट्रस के दोनों तरफ बादाम के आकार के दो अंग होते हैं जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। आगे जाकर इन्हीं अंडाणु से फीटस का निर्माण होता है। कभी कभी इन ओवरी में गठान बन जाती है जिसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। आज हम जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट का कारण क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ओवेरियन सिस्ट का सबसे पहला प्रकार है फंक्शनल सिस्ट। इस तरह की गठाने हर महीने बनती हैं और अपने आप ही खत्म होती रहती हैं। ओवरीज में हर मंथ एक ओवम बनता है और रिलीज होता है। यह ओवम फैलोपियन ट्यूब में जाकर रप्चर होता है जिससे कि फीटस का निर्माण होता है। पर कभी कभी यह अंडा रिलीज नहीं हो पाता, या फिर रिलीज तो हो जाता है पर रप्चर नहीं हो पाता या फूट नहीं पाता और वहीं का वहीं सिस्ट बना लेता है। इसे ही फॉलिकुलर सिस्ट कहा जाता है। यह सिस्ट अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। रेयरली ही ऐसा कभी होता है कि इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। दूसरी तरह की सिस्ट है कार्पस ल्यूटियल सिस्ट। कार्पस ल्यूटियल सिस्ट यह सिस्ट तब बनती है जब ओवम के रिलीज होने के बाद जो फ्लूइड बनता है वो अंदर ही जमा हो जाता है। यह भी एक तरह का फंक्शनल सिस्ट है और बिना किसी दवाई के अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। तीसरी तरह का सिस्ट है डर्मोइड सिस्ट। कभी कभी ओवरी में ऐसे टिश्यू उपस्थित होते हैं जो वहाँ नहीं बनते हैं, जैसे कि फैट, बाल या दांत। इसे ही डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। वैसे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कभी कभी यह सिस्ट अंदर ही फूट जाती है या फिर ट्विस्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। इसलिए इस सिस्ट का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्ट को केवल ऑपरेशन करके ही निकाला जाता है। किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी से यह सिस्ट ठीक नहीं होती है। यदि इसे नहीं निकाला गया तो जिस जगह पर यह जुड़ी हुई है कभी कभी वहीं पर ट्विस्ट हो जाती है, जिससे कि बहुत सीवियर पेन होगा और तुरंत ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए डर्मोइड सिस्ट को डायग्नोस होते से ही निकलवा देना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कभी कभी ये भी होता है कि ओवरीज को भी निकालना पड़ सकता है। तीसरी तरह की सिस्ट है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर की लेयर होती है जो कि हर महीने मेंसेस के समय निकल जाती है। यह लेयर केवल यूट्रस के अंदर होती है पर कभी कभी ओवरीज के अंदर भी एंडोमेट्रियम पाई जाती है। हर महीने जब मेंसेस आते हैं तो यह एंडोमेट्रियम बाहर आती है, पर यदि एंडोमेट्रियम सिस्ट है तो मेंसेस के समय हर जगह से ब्लीडिंग होती है। यूट्रस के अंदर की ब्लीडिंग तो बाहर आ जाती है, पर यदि उसके अलावा कहीं और की ब्लीडिंग हो तो वो बाहर नहीं आ सकती है और अंदर ही अंदर सिस्ट बना लेती है। यह सिस्ट बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और बच्चा पैदा होने में भी परेशानी करती है। इस कारण कभी कभी ट्यूब ब्लॉक भी हो सकती है और ओवरीज भी खराब हो सकती है। इस सिस्ट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से निकाला जाता है। चौथा है PCOD। इसके बारे में आप मेरे PCOD के कारण और निदान वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ओवरीज में पाई जाने वाली सबसे कॉमन सिस्ट है। तो ये तो थे सिस्ट के प्रकार। आइए अब हम देखते हैं कि यदि किसी को सिस्ट है तो उसे क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। वैसे तो ओवेरियन सिस्ट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, पर पेट में गैस बनती है जिसके कारण पेट बड़ा लगता है। जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो हो सकता है पेन हो। पेन के अलावा नौजिया और वोमिटिंग हो सकती है क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बनती है। वैसे तो इसके अलावा कोई और सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। यह सिस्ट अक्सर केवल एक्सीडेंटली डायग्नोस होती है। एक्सीडेंटली डायग्नोस का मतलब होता है कि आप किसी और कंप्लेंट को लेकर डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने आपकी USG करवाई,
तभी आपको पता चला कि आपको सिस्ट है। अब बात करते हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस की। तो जो फंक्शनल सिस्ट होती है, चाहे कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो या फिर फॉलिकुलर सिस्ट, जनरली ये सिस्ट अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती हैं और किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करती हैं। पर कभी कभी ये सिस्ट ट्विस्ट हो जाती हैं और रप्चर हो जाती हैं, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट। इस कंडीशन में बहुत सीवियर और अनबियरेबल पेन होता है, या पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि इसके कारण पेशेंट कभी कभी कोलैप्स में चला जाता है और बीपी भी एकदम बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट का एक और कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो है ओवेरियन कैंसर। यदि यूएससी में ओवेरियन कैंसर की संभावना लगती है तो MRI करवाई जाती है और कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि CA125। यदि CA125 की रिपोर्ट बड़ी हुई आती है तो फिर सर्जरी की जाती है। सर्जरी के बाद ही ओवरीज की सेल्स की जांच करने के बाद में यह कंफर्म किया जाता है कि यह सिस्ट कैंसरस है या नहीं है। सर्जरी के दौरान ही डॉक्टर यह डिसाइड करते हैं कि ओवरीज की बायोप्सी लें या फिर पूरी ही ओवरी निकालें। लास्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं कि सभी तरह के फंक्शनल सिस्ट, चाहे वो फॉलिकुलर सिस्ट हो या फिर कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो या फिर सिस्ट एडेनोमा हो या टर्मोइड सिस्ट हो, इनकी डायग्नोसिस कैसे होगी, टेस्ट क्या होंगे, यूएसजी होगी या MRI होगी या फिर ब्लड टेस्ट होंगे और फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओवेरियन सिस्ट के कोई लक्षण नहीं होते हैं, यह केवल एक्सीडेंटली डायग्नोस होती है। जब कभी सोनोग्राफी करवाई जाती है और उसमें सोनोग्राफी में यह पता चलता है कि ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट के प्रकार के आधार पर MRI करवाई जाती है और फिर ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में CA125 टेस्ट करवाया जाता है। यदि CA125 टेस्ट की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हुई आती है तो फिर ऑपरेशन के लिए कहा जाता है। आइए अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। हर तरह के सिस्ट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, जैसे कि फॉलिकुलर या फिर ल्यूटियल सिस्ट, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बनते हैं और मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। ये किसी तरह के ट्यूमर नहीं होते। दूसरा है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कि इस तरह के ट्यूमर में नई ग्रोथ तो हो रही होती है पर ये कैंसरस नहीं होते हैं, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट। इन्हें ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर को ऑपरेशन करके ही निकाला जाता है और इनके हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट के आधार पर आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो थे ओवेरियन सिस्ट के प्रकार, उनके लक्षण, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। उम्मीद करती हूँ कि ओवेरियन सिस्ट के बारे में अब आप काफ़ी कुछ जान ही गए होंगे। ओवेरियन सिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक बहुत कॉमनली होने वाली सिस्ट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।